हाय गाइस, आज के मतलब 2 दिन बाद K7 कबड्डी क्वालिफायर्स में बाहिनी स्कूल वर्सेस चायजू राम कबड्डी एकेडमी के बीच मैच खेला जाएगा। इसमें कौन सा प्लेयर स्क्वाड में है वो आप लोगों को बताऊंगा, कौन सा मतलब प्लेयर स्टेटस है लास्ट मैच का वो बताऊंगा आप लोगों को। तो देखते रहो, प्लेयर के बारे में सब कुछ बताते रहूँगा, कौन सा प्लेयर को पिक करा है, कौन सा प्लेयर को नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, मैं आप लोगों को सब बता दूंगा। तो अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल वाला आइकन को भी दबा लो, आप लोगों को बहुत सारा फायदा हो जाएगा हमारा यूट्यूब चैनल से। जैसे बहुत सारा फायदा हो जाएगा मैं बोलते रहूँगा कैसे कैसे फ़ायदा होगा। तो चलिए गाइस, मतलब स्क्वाड के बारे में डीपली डिस्कस कर लेते। चलिए गाइस, चाजूराम कबड्डी एकेडमी से स्क्वाड में है मंच है, सचिन है, मुकेश तनवर है, अमन है, नितेश है, विकास कुमार है, रोहन सिंह है, रविंदर है, नवीन है, सुरेंद्र घवल है, नरिंदर है, एंड विशाल चावल है, चहल एंड अंकित है एंड हर्ष है। तो चलिए गाइस, दूसरा टीम का स्क्वाड के बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए गाइस, भाईनी स्कूल के तरफ से बलजीत कुमार है स्क्वाड में, राबू है, विकास है, मोनू रामंड है, हरदीप शम्बीर है, रणविंदर है, किस्मत सिंह है, मोहित घोट है एंड कुलदीप सिंह है एंड अमित कुमार है एंड सुमित है एंड उगेश है, पुष्पंदर है, विनीत है। तो ए है भाईनी स्कूल का स्क्वाड। तो चलिए गाइस, मतलब मैच का बारे में मतलब डीपली डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं पहले, मतलब कि कौन सा प्लेयर को ट्राई करना है, कौन सा प्लेयर को नहीं, लास्ट मैच का बॉस स्कोर के बारे में डीपली डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए गाइस, उससे पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम है वो पहले देख लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारा मतलब फ़ायदा हो जाएगा उसके बारे में पहले डीपली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए गाइस, गाइस देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर जाना है, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप लोग अगर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो इस मैच का जो हमारा फाइनल टीम आएगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो गाइस, इस मैच का जो फाइनल टीम आएगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आएगा। तो इस मैच में आप लोगों को मैं प्लेइंग 7 भेज दूंगा, कौन सा प्लेइंग 7 खेल रहा है मतलब स्टार्टिंग कर रहा है मैं भेज दूंगा, सब्स्टिट्यूशन भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा हो जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए गाइस, आज का मैच में जो हमारा प्लेयर स्टेज होगा, प्लेयर स्टेज के बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं और प्लेयर के बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए गाइस, मतलब चाजूराम कबड्डी एकेडमी में लास्ट मैच में कौन कौन खेला था उसके बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट मैच में खेला था सुरेंद्र घोने खेला था, विशाल चावल ने खेला था, मौंच खेला था, मुकेश तनवर खेला था, नरेंद्र खेला था, अंकित खेला था, नितेश स्टार्टिंग 7 में खेला था, सब्स्टिट्यूशन में रोहन सिंह खेला था, सचिन खेला था, रविंद्र खेला था एंड हर्ष खेला था। और इसमें जो बढ़िया परफॉर्मेंस किया था सुरेंद्र घोने, अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, विशाल चावल ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, मनोज ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था सक्सेसफुल टैकल करके, आदर मेरे को देख नहीं रहा है, मुकेश थोड़ा मोड़ा खेल दिया था। तो ये है चाजूराम क्रिकेट राम कबड्डी एकेडमी का लास्ट मैच का स्कोर कार्ड। तो चलिए दूसरा टीम का स्कोर कार्ड के बारे में डीपली डिस्कस कर लेते। चलिए गाइस, लास्ट मैच में बाहिनी स्कूल के तरफ से मोहित घोवाल टोटल टच पॉइंट 10 किया था, अच्छा खासा खेला था, बलजीत कुमार ने टोटल टच पॉइंट 0 है, राबू ने 2 टच पॉइंट दिया था, किस्मत सिंह ने 3 टच पॉइंट दिया था और सुमित ने 1 टच पॉइंट किया था। जो जो सक्सेसफुल टैकल किया था, बलजीत कुमार ने सक्सेसफुल 4 टैकल किया था, राबू ने 2 सक्सेसफुल टैकल किया था एंड सुमित ने एंड विकास ने 1-1 टैकल किया था। तो ये है बाहिनी स्कूल का लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, आप लोग देख लिया किसको किसको पिक करना है और नहीं तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का मैच में जो हमारा टीम होगा उसके बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए गाइस, मैंने डिफेंडर में जयदीप को ट्राई किया, नितेश को ट्राई किया एंड मनोज को ट्राई किया, मनोज को ट्राई किया, ऑलराउंडर में ए सुरेश को ट्राई कर रहा हूँ, उगोश को मैंने ट्राई कर रहा हूँ, रेडर में एम घोयाट को मैंने ट्राई कर रहा हूँ एंड के सिंह को मैंने ट्राई कर रहा हूँ। देख सकते हो हमारा टीम, मैं मेरा टीम में कैप्टन दिया हूँ, ए सुरेश को कैप्टन दिया हूँ अरे एम घोयाट को मैंने वाइस कैप्टन दिया हूँ। आप लोग चाहो तो जयदीप को भी दे सकते हो, माउच को भी दे सकते हो आपका टीम में। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन, अगर इसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आप लोगों को मतलब फाइनलिटी हमारा टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें इसका जो फाइनल टीम आएगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आएगा, फाइनल जो मतलब प्लेइंग 7 आएगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मतलब भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के मैच के लिए बाय बाय।